नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल शर्मा आपके बीच में हूँ और हमारे बीच में यतेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, जो कि मंडोली रोड मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन की बात करें तो आगामी 22 तारीख के अंदर चुनाव होने जा रहा है। मार्केट के अंदर अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी के अंदर। नमस्कार राहुल जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मार्केट के चुनावों में जो अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं उन सभी का आपने इंटरव्यू लिया जी, जी। बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के, आप मेरे पास भी आए, शुक्रिया, धन्यवाद। शर्मा जी, आखिर क्या कारण बना कि अध्यक्ष पद के लिए उतरना पड़ रहा? अध्यक्ष पद के लिए उतरने का कारण ये है कि यहाँ पे जो पिछले 3 सालों में हमारी मार्केट के अंदर जी अध्यक्ष पद को लेकर, अध्यक्षता को लेकर जो दुकानदार भाइयों में रोष है जी, जो परेशानियां 3 साल पहले थी आज वो बढ़ के 3 गुनी हो चुकी हैं। मतलब जो 3 साल पहले थी वो बढ़ गई हैं समस्याएं? वो समस्याएं बढ़ चुकी हैं जी। एक प्राइवेट कंपनी बना दी गई है हमारी मार्केट जी। 5 लोग बैठते हैं, सारे फैसले करते हैं, बंद दरवाजे में बैठ के मार्केट नहीं चला करती जी। मार्केट चलती है ओपन मीटिंग करने से जी। मार्केट चलती है सबको साथ लेके चलने से। तो क्या मौजूदा जो वर्तमान में प्रधान है वो सबको साथ लेकर के नहीं चली? बिल्कुल नहीं चली, बिल्कुल साथ लेकर नहीं चली। मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये मेरी आवाज़ नहीं है जी। ये 519 दुकानदारों की आवाज़ है जो ये कहते हैं कि हमें ये पता नहीं है आज भी कि हमारी मार्केट के अंदर पिछले 3 साल में क्या कोई GBM हुई, क्या किसी तरह का कोई फैसला लिया गया, तो उसमें किसी दुकानदार की राय ली गई जी। हमारी दुकानदार जितने भाई हैं उनमें हमारी बुजुर्गों की एक कार्यकारिणी समिति हुआ करती थी जी। क्या उन बुजुर्गों में से किन्हीं 4 बुजुर्गों को बुलाकर कभी मीटिंग में बिठाया गया जी। किसी तरह की कोई मीटिंग हुई? नहीं, कहीं नहीं हुई। ये मेरा कहना नहीं है, पूरे बाजार का कहना है, पूरी मार्केट का कहना है। बात करें वर्तमान प्रधान की, तो उन्होंने तो कोरोना काल के अंदर इतनी मेहनत करी, उसके बाद में कोई भी फेस्टिवल्स हो उस पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया हो, चाहे दिवाली हो, होली हो, दशहरा हो, सब में उन्होंने भूमिका दिखाई है। कोरोना, आप कह रहे हैं काम नहीं करा? मैं बताता हूँ, कोरोना काल पहली बार आया जी। जब से हम अस्तित्व में आए जी, 100 साल के इतिहास में कभी कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं आई थी जी। पहली बार कोरोना काल आया, मैं मानता हूं उन्होंने काम किया जी। उन्होंने काम किया तो अपनी छवि सुधारने के लिए किया जी। मार्केट के हित का क्या काम हुआ? क्या मेरी मार्केट के लोग इतने कमजोर है कि उनको चंदे से मांगा हुआ खाना चाहिए जी? क्या मेरी मार्केट के लोग इतने परेशान थे कि उनको राशन और पानी चाहिए था जी? मैं नहीं मानता इस बात को। ये केवल और केवल एक पार्टीबाजी, दलगत राजनीति जी। मैं ये चाहता हूं कि इस मार्केट के अंदर ये दलगत राजनीति खत्म हो। मैं BJP का आदमी हूं, मैं कांग्रेस का आदमी हूं, मैं आपकी टोपी लगाऊंगा, ये सब नहीं चलेगा। 519 दुकानदारों का एक परिवार है, मैं उस परिवार को इकट्ठा करके एकता बना के चलना चाहता हूं और वो ही हमारा मकसद होना चाहिए। 519 की बात करें तो वोटें बढ़ी या घटी? वोटों की अगर बात करें, वोटों की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि वोटर लिस्ट में इस बार जो धांधलीगर्दी हुई है, धांधला मैं क्लियर शब्दों में कहना चाहूंगा, धांधला हुआ है जी। 519 वोटें जो बनी हैं, मैंने अपने कुछ लोगों से, विश्वसनीय सूत्रों से पता किया जी, तो वो कहते हैं कि कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जो कहीं से कहीं तक अस्तित्व में नहीं है जी। दुकानें नहीं हैं, नाम है, वोट है जी, सब कुछ है, एक एक आदमी की 3-3 वोट बनी हुई है। मैं बात करूंगा इस विषय में जी, इस विषय में 22 तारीख के बाद बात करूंगा। अभी अगर मैं इस बारे में कोई विषय उठाता हूं जी, तो ये लोग कहेंगे कि भाई ये चुनाव को रोकना चाहता है जी। बिल्कुल नहीं रोकना चाहता हूं, 519 दुकानदारों की आवाज़ हूं मैं जी। 519 दुकानदारों का चेहरा हूं मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और लड़ नहीं रहा हूं जी। मैं अपने दुकानदार भाइयों के लिए खड़ा हुआ हूं जी। मैं अड़के खड़ा हूं। कोई भी आदमी अपने कद से बड़ा नहीं होता जी, अपने पद से बड़ा नहीं होता, अपने मकसद से बड़ा होता है। बिल्कुल ठीक, मेरा मकसद सबसे बड़ा है। मेरा मकसद किसी दलगत राजनीति को साथ लेकर चलने का नहीं है। आपका मकसद क्या है? क्या आप, अगर जनता आपको वोट देती है, दुकानदार भाई आपको वोट देते हैं, तो क्या करेंगे आप? मेरा सबसे पहला मानना यह है कि हमारी मार्केट के अंदर जो समस्याएं पिछले 3 साल में बढ़ के 3 गुनी हो चुकी हैं, मैं उन्हें खत्म करना चाहता हूं। कैसी समस्या जरा बताएं? सबसे पहली समस्या, जब मैं अभी मार्केट में सर्वे कर रहा था तो मुझे पता लगा, मेरी माताओं बहनों ने मुझे कहा कि बेटा हमारे लिए कोई टॉयलेट की सुविधा नहीं है जी। ये मूलभूत सुविधाएं हैं नहीं। तो वो जीतने के बाद तो सबसे पहले टॉयलेट बनाया गया वहां पर? जीतने के बाद जो एक टॉयलेट बनाया गया वो टॉयलेट वहां पे पहले से था जी। उसके बाद में बहुत लंबी मार्केट है जी। लगभग 700 मीटर की मार्केट में एक टॉयलेट से कैसे काम चलेगा? तो क्या यहाँ पे जगह है जहाँ? बिल्कुल जगह है, बिल्कुल जगह है। मैंने जगह चुन भी ली है और मैं आप लोगों के सहयोग से, अपनी मार्केट के बुजुर्गों और लोगों, दुकानदार भाइयों के सहयोग से, उस जगह पर जीतने के बाद में
एक लेडीज टॉयलेट और एक जेंट्स टॉयलेट 101% बनवाऊंगा। दूसरी चीज, हमारी मार्केट में मैं मानता हूं कि भाई प्रधान जी ने बड़ा अच्छा काम किया, जो भी कार्यकारिणी आती है बड़ा अच्छा काम करती है। ऐसा काम क्यों होता है कि शटर टूटने के बाद में, चोरी होने के बाद में उस पर कार्रवाई कराने के लिए हमारी एसोसिएशन खड़ी होती है। ऐसा काम क्यों नहीं करते कि चोरी ही ना हो और शटर ही ना टूटे? सीसीटीवी कैमरे चालू कराए जाएं। क्या कैमरे लगे हुए नहीं है? कैमरे लगे हुए हैं, सारे बंद पड़े हुए हैं। 3 साल से किसी कैमरे की कोई एएमसी नहीं गई है। अच्छा। मेरी कैमरे वाले से बात हुई थी तो वो कहता है जी मेरे एएमसी नहीं गई है, जबकि कलेक्शन तो शायद सुनने में आ रहा है 300-250 रुपए। कितने रुपए दुकानदार देते हैं? कलेक्शन 300 रुपए पर दुकानदार देता है। कलेक्शन महीना है या साल का? ये साल का होता है जी। कलेक्शन का कोई हिसाब नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है। अब किसी को नहीं पता, आप कह रहे पारदर्शिता नहीं है, लेकिन अभी तो उन्होंने एक बैलेंस शीट को लेकर के हर दुकानदार पे पहुंचाया है। वो दुकानदार पे पहुंचाया है, वो सवाल उठने के बाद में एक मैनिपुलेशन करके एक पेपर निकाला गया है। उस पेपर को निकाल के इन लोगों ने खुद अपनी छवि खराब करी है। उस पेपर में जो इन्होंने दिखाया है उसको कोई भी आदमी जो बिल्कुल ना समझे वो भी समझ सकता है कि इसके अंदर पूरी पूरी धांधली कर दी है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है। शर्मा जी वही बात करें, अगर फिलहाल देखा जा रहा है कि इस चुनाव को जातिगत भी मोड़ा जा रहा है। देखिए मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ता जी, जातिगत मोड़ा जा रहा है, पर आज की जनता मेरे दुकानदार भाई जी सब जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं जी। सबको पता है उनका चेहरा, उनकी आवाज़ कौन बन सकता है जी। क्या कोई ऐसा आदमी चाहेगा कि वो उनके सामने खड़ा हो, डिपार्टमेंट वाला कोई आता है तो उसके सामने पीछे चला जाए जी? पैर छूने से डिपार्टमेंट काबू में नहीं आते हैं, डिपार्टमेंट काबू में आते हैं बोलने से जी, सामने खड़े होकर अड़ने से। वाद विवाद की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे वाद विवाद पर? वाद विवाद जो हमारे मार्केट के अंदर होते हैं जी, दुकानदार भाइयों के झगड़े, कोई जमीन के झगड़े, कोई मारपीट वैसे नहीं, केवल ग्राहक और कस्टमर वाली बातें हैं। इसने सामान निकाल लिया, उसने सामान अंदर कर दिया। पिछली जो हमारी कार्यकारिणी रही, जो भी हमारे यहाँ प्रधान जी रहे या नहीं रही, उनका काम क्या था? झगड़ों को सुलझाने का। एसोसिएशन बनती है झगड़ों को सुलझाने के लिए, दो लोगों के बीच में मध्यस्थता कराने के लिए, ना कि FIR कराने के लिए। FIR तक हुई है? FIR तक हुई है, बहुत सारे मुकदमे हुए मार्केट में जो कि बड़े आराम से अगर एसोसिएशन चाहती तो सुलझ सकते थे और खत्म करे जा सकते थे। यतेंद्र जी आप भी तो एक समय में उस टीम का सदस्य थे, आपने क्यों ड्रॉप करा? मैंने ड्रॉप नहीं करा, मुझे ड्रॉप कराया गया। मैं इस बात को जानता हूं कि आपका, मुझे पता था आपका ये सवाल जरूर आएगा। मैं उसी टीम में था, इसीलिए मुझे उस टीम की सारी बारीकियां पता हैं कि वो टीम कैसे काम करती है, उसकी रूपरेखा क्या होती है, किस दिशा में उसको काम करना है। शर्मा जी वही बात करें, इस पूरे रोड की अगर हम देखें तो एक मंदिर, क्या उस मंदिर के पुजारी का वोट है? बिल्कुल नहीं है। नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मंदिर मुझे लगता है कि 30 या 35 साल से हमारी रोड पर मंदिर है, उस मंदिर की वोट नहीं है। अगर थोड़ी छूट दे दी जाए, क्या होना चाहिए वोट या नहीं होना चाहिए? 501% वोट होना चाहिए जी। मंदिर मेरे रोड पे है। कोशिश नहीं करी गई या क्या रहा? कोशिश ही नहीं करी गई, बिल्कुल कोशिश नहीं करी गई। क्या आपने आवाज उठाई है मंदिर के पुजारी की वोट? मैंने इसकी आवाज उठाई थी। मंदिर के पुजारी जी की बात करता हूँ मैं, हमारे पूर्व निगम पार्षद अनिल गौतम जी की बात करता हूँ। कौन ऐसा आदमी है जो उनके चेहरे को नहीं जानता? बिल्कुल ठीक। अनिल गौतम जी की दुकान हमारे रोड पे है, उनकी वोट काट दी गई। क्यों काटी गई? दलगत राजनीति है ना जी। क्यों करते हैं ऐसी गंदी राजनीति? आपको अगर 200 वोटों ने जिताया है तो इसका मतलब आप 200 वोटों के लिए काम करेंगे जी। बाकी के जो 319 आदमी वो कहाँ जाएंगे जी? ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे एकता समानता बिल्कुल नहीं चलती। बड़ा दुकानदार छोटा दुकानदार मन में भावना पैदा करी जाती है। बड़े दुकानदार को मीटिंग में बुलाएंगे, 2 आदमी बैठेंगे, 5 आदमी बैठेंगे, ये वो साहब है, इनका वो शोरूम है, इनका वो शोरूम है, मीटिंगें होंगी शोरूमों में। नहीं, जो हमारी परंपरा रही है मार्केट की, मीटिंग मार्केट में होनी चाहिए और उसमें मार्केट का कम से कम 2/3 लोग होने चाहिए। शर्मा जी वही बात करें मंडोली रोड ट्रेडर मार्केट एसोसिएशन की, तो लगभग सुनने में आ रहा है कि 17 से 20 दुकानें मुस्लिम भाइयों की भी आ चुकी हैं इस मार्केट में। लगभग 15 दुकानें मुस्लिम भाइयों की हमारी मार्केट के अंदर हैं जी। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, क्योंकि मार्केट है, सब मार्केट है, सबका स्वागत है, सबको आना है, काम करना है। कुछ काम इस तरह के भी होते हैं, अब जैसे हेयर सलून वगैरह हैं तो उसमें हमारे मुस्लिम भाई आए हुए हैं, स्वागत है उनका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें। लेकिन देखने में आ रहा है कि चर्चा पूरी मार्केट की पूरे शहर के अंदर है। शहर के अंदर इसलिए है क्योंकि मैं कहूँ कि मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यवान समझता हूँ इस बात में, हमारी मंडोली रोड मार्केट पिछले 30 सालों से पूरी दिल्ली में चर्चा का विषय रही है। बिल्कुल ठीक। दिवाली पे जो सजावट हुआ करती थी, 3 साल की नहीं कहूंगा, 3 साल से पहले की बात करूंगा, जो सजावट हुआ करती थी उसकी चर्चा उस दिवाली से अगली दिवाली तक रहती थी।
जहाँ बड़े बड़े शोरूम बड़ी बड़ी मार्केट हैं, वहाँ भी ऐसी सजावट नहीं होती थी। पूर्व रहे प्रधान क्या आपका साथ खड़े हैं? नहीं, पूर्व प्रधान मेरे साथ कैसे हो जाएंगे, मैं तो उनका सारा काला चिट्ठा खोल रहा हूँ। नहीं, मैं पूर्व की बात कर रहा हूँ, प्रवेश शर्मा जी की। प्रवेश शर्मा जी ने बिल्कुल उनका आशीर्वाद, उनका साथ मेरे साथ रहा और आज भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। उन जैसा कार्यकाल, मैं कहता हूँ रामराज, जिस चीज को हम लोग बोलते हैं ना, वो रामराज हम लोगों ने काटा है। अब रामराज के बाद में जो परेशानी आई है, वरना 30 साल एक आदमी निर्विरोध रहता है और 3 साल बाद ही इतनी अराजकता फैल गई मार्केट के अंदर, तो इसमें कहीं ना कहीं अपनी कमी रही होगी। शर्मा जी, चलते चलते दुकानदार भाइयों से क्या अपील करना चाहिए? मेरी अपील यही है दुकानदार भाइयों से कि आप जाति पे ना जाके आप योग्यता और काबिलियत पे वोट दें। आज के समय में हर आदमी जागरूक हो चुका है। मैं नहीं समझता कि कोई आदमी आके कहेगा मेरी जाति के आदमी को दो, मेरी जाति के आदमी को ना दो। मैं किसी जाति का नहीं हूँ, मैं आपका बच्चा, आपका बेटा हूँ और केवल आपके स्वार्थ के लिए हूँ। मेरा इसमें निजी स्वार्थ कोई नहीं है, मैं मार्केट की सेवा करना चाहता हूँ। इसी मार्केट में पैदा हुआ, इतना बड़ा हुआ, आज अगर मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं अपने दुकानदार भाइयों के किसी काम आ सकता हूँ, तो मैं तत्पर हूँ 24 घंटे काम करने के लिए। आपने दुकानदार भाइयों से तो अपील कर ली, लेकिन सवाल वही खड़ा है कि क्या कुछ नया करेंगे अगर आप जीतते हैं तो? देखिए, नए की बहुत गुंजाइश है हमारी मार्केट में। जैसे कि अब ये वोटों वाली बात आती है, हर 3 साल बाद यही मुद्दा उठेगा। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पूरी मार्केट के दुकानदार भाइयों का एक यूनिक आई कार्ड बने, जो मैं बनवाना चाहता हूँ। स्मार्ट बनाना, ऐप बनाना, व्हाट्सएप चलाना एक अलग चीज़ें हैं। आई कार्ड बने हमारा, एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो हमारी, मेरा रास्ता ये रहेगा। दूसरी चीज़, मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज आती हैं, जो डिपार्टमेंटल हमारे काम होते हैं, वो सारे काम डायरेक्ट दुकानदार के पास ना होके एक प्रॉपर प्लेस पर उनका कैंप लगाया जाए, प्रॉपर प्लेस पर उनका ऑफिस बनाया जाए, वहाँ पर वो लोग आएँ। दुकानदारों से कभी भी कोई डिपार्टमेंट वाला आके डायरेक्ट ना करे। बिल्कुल ठीक, ठीक है जी। जी शर्मा जी, वही बात करें, कोरोना काल फिर से आ गया है, मैं क्योंकि लगभग 550 केस दिल्ली के अंदर बढ़ चुके हैं, तो चुनाव क्या माना जाए कि चुनाव समय पे ही होगा या टाला भी जा सकता है? नहीं, मुझे लगता है चुनाव समय पे हो जाएगा जी, क्योंकि अब कोई ज़्यादा दिन नहीं रह गए हमारे चुनाव में। 22 तारीख को चुनाव है हमारा, तो 22 तारीख आने वाली है, चुनाव आराम से संपन्न हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वैसे भी हम आपको बताएं कि अपनी इन रैलियों में भी हम जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसमें हम कोरोना की वजह से पूरी एहतियात बरत रहे हैं और मास्क लगा के, दूरी बना के, कम लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं, जिससे कि हमारे दुकानदार भाई और हम लोग भी दोनों कोरोना से बचे रहें।